Yes, so our point was this management of public enterprises, this fourth point we were doing. तो इसमें क्या होता है, पब्लिक एंटरप्राइजेस मीन्स द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस मीन्स दोज एंटरप्राइजेस दोज अंडरटेकिंग्स विच आर ओन्ड कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट, जिनके ऊपर इन्वेस्टमेंट भी गवर्नमेंट की है, उनकी मैनेजमेंट भी गवर्नमेंट की, उनको मेंटेन करना, उनको अप टू डेट रखना, उनका सारा ए टू जेड रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की है. तो दैट मीन्स ओन्ड ओनरशिप, उसके बाद मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, दैट इज ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है, तो ये सारा कुछ जिस सेक्टर में होता है दैट इज कॉल्ड पब्लिक सेक्टर, या उसको कह देते हैं गवर्नमेंट सेक्टर, तो वो एंटरप्राइजेस कहलाती हैं, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस या गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस ऑल्सो. इन सम बुक्स गवर्नमेंट एंटरप्राइज लिखा होता है, वही मीनिंग है. तो उनको मैनेजमेंट करना, अब उन मैनेजमेंट का मीनिंग थी उनके ऊपर जो भी खर्च होता है, जो भी रिक्वायरमेंट ऑफ मनी होती है, बिकॉज विदाउट मनी विदाउट फाइनेंस कोई भी एंटरप्राइज कैन नॉट बी सेटअप, है ना, सेट नहीं कर सकते, उसको चला नहीं सकते. तो फिर वो मनी कहाँ से आता है, दैट मनी इज प्रोवाइडेड, उसके लिए प्रोविजंस आर मेड इन द गवर्नमेंट बजट. इसी में से पैसे को निकाल के पहले ही प्लान करके रखते हैं कि ये मनी हमने नेक्स्ट साल में ये पब्लिक सेक्टर के एंटरप्राइजेस पे स्पेंड करना है. फिर आफ्टर दैट बुक में एक पॉइंट इज गिवन नेचुरल मोनोपोली, ऑल्दो दैट इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस, वो जस्ट आपको एग्जाम्पल देने के लिए बताया गया है कि जो चीज़ें गवर्नमेंट की मोनोपोली में आती हैं, नेचुरल मोनोपोली मतलब कि और कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, थ्रू लॉज एनी कॉम्पिटिटर इज नॉट अलाउड बाय द गवर्नमेंट, है ना, जैसे रेलवेज है या पोस्ट एंड टेलीग्राफ है. तो ये जो पोस्टल डिपार्टमेंट का काम है वो मान लो गवर्नमेंट की ही मोनोपोली है. अभी तो चलो कोरियर सर्विसेज भी आ चुकी हैं, बट उसके पहले तो बिल्कुल ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में था. या रेलवेज का काम है तो अब कोई और आदमी रेलवेज का काम नहीं स्टार्ट कर सकता. तो ऐसे जो काम है जो गवर्नमेंट थ्रू लॉज ही अपना जिसके ऊपर कंट्रोल रखती है, एक तो ये हो सकता है, या दूसरी फॉर्म्स उसको कम्पीट नहीं कर पाती हैं. तो मोनोपोली किसी भी तरीके से बन जाए, किसी भी रीजन के करके बन जाए, तो उस केस में फिर उनका अरेंजमेंट, अगर गवर्नमेंट की मोनोपोली है तो उसका, जैसे रेलवेज डिपार्टमेंट है तो उसके ऊपर जो भी खर्चा आता है, उसका मेंटेनेंस, उसका रखरखाव, व्हाटएवर, तो वो एक्सपेंडिचर कहाँ से किया जाता है, दैट इज प्रोवाइडेड विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट बजट. ठीक है, पहले तो यू विल बी सरप्राइज टू नो, 3-4 साल पहले तक रेलवे बजट ही अलग होता था, एक पूरे कंट्री के लिए बाकी सारी चीज़ों के लिए बजट अलग होता था और रेलवे डिपार्टमेंट का बजट अलग होता था. बट 3-4 ईयर्स बैक अब उसको मर्ज कर दिया गया. अब रेलवे, क्योंकि रेलवे का ही इतना ज़्यादा खर्चा है, बहुत ह्यूज उसके ऊपर मनी इज रिक्वायर्ड, तो नाउ दैट रेलवे बजट हैज़ बीन मर्ज्ड विद इन दिस गवर्नमेंट बजट, तो सारा जो भी खर्चा है मतलब वो गवर्नमेंट करती है, जो भी उसकी मोनोपोलीज हैं या उसके कंट्रोल में जो भी एंटरप्राइजेस हैं. आफ्टर दैट है इकोनॉमिक ग्रोथ. अब इकोनॉमिक ग्रोथ का मीनिंग क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब जब किसी कंट्री में फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम, जीडीपी या दिस नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, या हम क्या सिंपल वर्ड्स में कह रहे हैं पर रियल पर कैपिटा इनकम, रियल नेशनल इनकम, वो दैट इंक्रीजेज फॉर ए कॉन्टीन्यूसली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, कंसिस्टेंटली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. मतलब ये नहीं कि एक साल कंट्री की इनकम बढ़ गई, दूसरे साल कम हो गई, फिर थर्ड ईयर बढ़ गई, फिर 2 साल बाद कम हो गई, नहीं, फ्लक्चुएशंस नहीं. जब काफ़ी लंबे टाइम तक, 40 ईयर 50 ईयर, उससे भी ज़्यादा, काफ़ी लॉन्ग टाइम तक लगातार अगर इनकम इंक्रीज होती है कंट्री में, तो देन दैट टाइप ऑफ ग्रोथ, दैट जो भी हमें विजिबल होता है सिस्टम, दैट इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ. ठीक है, अब वो जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कैसे बढ़ सकती है, उसके लिए ह्यूज इन्वेस्टमेंट इज़ रिक्वायर्ड, ह्यूज अमाउंट ऑफ सेविंग्स आर रिक्वायर्ड, तभी आगे कामों में इन्वेस्ट करेंगे, तभी आगे लोगों को काम मिलेगा, इनकम बढ़ेगी. तो फिर जो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट है उसको भी, यहाँ पर दिस पॉइंट इज रिलेटेड विद द सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, कि गवर्नमेंट उसको भी इनकरेज करने के लिए प्रोविजंस करती है इन द गवर्नमेंट बजट. तो अब कैसे गवर्नमेंट प्रमोट कर सकती है सेविंग्स को, तो मेनली सेविंग्स आर डन बाय द पीपल ऑफ द कंट्री. इन्वेस्टमेंट्स कौन करते हैं, जैसे अभी लिबरलाइजेशन का टाइम है, प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा बढ़ रहा है, तो फिर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इज़ ऑल्सो मेड बाई प्राइवेट सेक्टर, तो उनको प्रमोट करना. तो प्रमोट कैसे होगा, सेविंग्स के कैसे प्रमोट होंगी, जैसे हम लोग हैं तो हम कैसे सेविंग की तरफ अट्रैक्ट होंगे, इफ़ वी आर ऑफर्ड मोर रेट ऑफ इंटरेस्ट, हमें ज़्यादा ऑफर किया जाए भी आप इतने मनी सेव करोगे तो आपको इतना इंटरेस्ट मिलेगा, 10% मिलेगा, 15% मिलेगा, 4% मिलेगा. तो ऑब्वियसली अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो हम सब लोगों को लालच होगा, वी विल फील हैप्पी एंड डिलाइटेड कि भी अगर हम सेव करते हैं तो वी विल गेट एक्स्ट्रा मनी इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, राइट. तो इन द सेम मैनर जो इन्वेस्टमेंट है उसके लिए कैसे इनकरेज करती है गवर्नमेंट, विद द हेल्प ऑफ बैंकिंग सिस्टम. तो इन्वेस्टर्स जो होते हैं उनको चीप रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर लोन्स आर ऑफर्ड,
ताकि उनको ज़्यादा एक्सपेंसिव लोन्स ना मिले, उनको सस्ते लोन्स मिल जाएं, तो वो दे विल फील बेटर और एनकरेज्ड टू इन्वेस्ट इन द इंडस्ट्री। किसी को कम इंटरेस्ट के ऊपर लोन मिल जाए तो अगला खुशी खुशी काम में लगाएगा। जो सेविंग करने वाले लोग हैं उनको ज़्यादा इंटरेस्ट मिले तो वो खुशी खुशी से सेविंग करेंगे। तो ये सारा कुछ फिर वो जो मनी है जो इंटरेस्ट की फॉर्म में देने, वो कहीं ना कहीं से तो वो मनी भी आना चाहिए। तो उसके लिए अरेंजमेंट कहाँ पर किया जाता है? दैट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट बजट। पहले ही प्रोविजन, मतलब ये ऐसा नहीं कि ऑन द स्पॉट काम हो गया, अभी कह दिया तो अभी कर दिया, नो। ये सारा कुछ जो प्रोग्राम है जो हम पढ़ रहे हैं ये वेल प्लान्ड होता है। मतलब एक साल पहले से उसकी तैयारियां शुरू कर ली जाती है कि अगले साल हमने ये करना है, सेविंग के लिए इतना इंटरेस्ट अलाउ करना है, इन्वेस्टमेंट के लिए इतना है, एवरीथिंग इज वेल प्रिपेयर। तो सारी प्रेपरेशन कहाँ पे होती है? बजट में। देन नेक्स्ट है रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज। डिस्पैरिटीज का मतलब होता है इनइक्वालिटीज, ठीक है, अलग अलग होना, इनइक्वालिटीज का होना। रीजनल मतलब रीजन वाइज। तो यहाँ पर क्या होता है, गवर्नमेंट टेक्स केयर, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके लिए तो सारा कंट्री एक जैसा है, वो कोई डिस्क्रिमिनेशन तो कर नहीं सकते कि पंजाब है तो इसको कोई ज़्यादा फेवर करना है, उड़ीसा है तो उसको कम फेवर करना है, ऐसा कुछ नहीं। ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री बिलोंग टू अवर कंट्री, है ना, सभी के लिए एक जैसा फीलिंग रखी जाती है। तो दोज एरियाज विच आर लेस डिवेलप्ड, तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट ट्राइज टू प्रमोट द डिवेलपमेंट ऑफ दोज एरियाज। इफ़ यू रिमेंबर वो IPR वाले में एक लास्ट में पॉइंट क्या था, इंडस्ट्रियल सोप्स, कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं दे आर एनकरेज्ड टू सेटअप देयर इंडस्ट्रीज इन बैकवर्ड एरियाज, रिमोट एरियाज, ताकि वहाँ भी कुछ डिवेलपमेंट हो, इंडस्ट्री होगी तो लोगों को काम मिलेगा, लोकल रिसोर्सेज वहाँ के यूटिलाइज होंगे, ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा, मतलब एवरी बेनिफिट कम्स टू द पीपल ऑफ दैट प्लेस। तो उसके लिए भी फिर प्रोविजन जो होते हैं वो गवर्नमेंट बजट में करती है, कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट को कंसेशन देना है, अगर इलेक्ट्रिसिटी में कंसेशन है तो वो खर्चा कौन उठाएगा? गवर्नमेंट उठाएगी। अगर उनको कोई टैक्स में छूट देनी है, कंसेशन देना है, डिस्काउंट देना है, तो वो उसका बर्डन किस पे आएगा? गवर्नमेंट पे आएगा। तो ये सारा कुछ पहले ही सोच करके, प्लान करके, दैट इज प्रोविजंस आर मेड इन द बजट। तो इन ये सारे ऑब्जेक्टिव्स को कीपिंग इन माइंड फिर जो बजट की प्रेपरेशन होती है दैट इज मेड, दैट इज डन वेल इन एडवांस, पहले से सोच के। तभी हम कहते हैं एस्टिमेटेड। एस्टिमेटेड का मतलब कि अगले साल की नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स को कीपिंग इन माइंड ऑल थिंग्स आर डन। ये नहीं होता है कि बस प्रेजेंट अभी जो हो गया, जो जैसे एक आई जस्ट गिव वन एग्जांपल, जैसे ऑल ऑफ ए सडन ये एपिडेमिक आ गई प्रेजेंटली, है ना, तो पिछले साल आई, तो अब इस तरह की एपिडेमिक इतने हाई लेवल के ऊपर होगी, पूरी वर्ल्ड वाइड होगी, पूरे कंट्री में होगी, ऐसा तो नहीं सोचा था। मतलब ऑल ऑफ ए सडन इमरजेंसी आ गई, तो ऐसा प्रोविजन तो मतलब इतना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि इट वाज नॉट एंटिसिपेटेड कि ऐसा कुछ हो जाएगा। तो भी फिर भी कुछ ना कुछ जो प्रोविजंस होते हैं गवर्नमेंट किसी ना किसी अपना बजट में, किसी अकाउंट में रखती है कि कोई इमरजेंसी आ जाए किसी भी टाइप की तो कुछ उसमें अरेंजमेंट किया जा सकता है। अब जब एक बार ये एपिडेमिक आ गई है और वायरस टाइप की है, और ये फर्दर इट इज़ बीइंग एंटिसिपेटेड कि ये चाइना से निकली है और एक बायो वार का एक हिस्सा है, मतलब उन्होंने इस तरीके से वॉर को इनिशिएट किया टू हर्ट द इकोनॉमीज ऑफ ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, मतलब ये जैसी रिपोर्ट्स आ रही हैं, तो इसका मतलब अब नाउ गवर्नमेंट इज़ वेल अवेयर कि ऐसी और भी सिचुएशंस हो सकती हैं, तो इसका मतलब आने वाले सालों में और इसके लिए फंड रखा जाएगा। अभी ये सारे जो अरेंजमेंट किए जा रहे हैं बाय द गवर्नमेंट, तो ये सारे उन्हीं फंड्स में से किए जा रहे हैं, और फिर लोगों से भी हेल्प कलेक्ट की जा रही है, वो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ केयर फंड है जो, तो मतलब वो ये तो चलो इमरजेंसी होगी, मीनिंग है कि कोई इमरजेंसीज होती है उसके लिए भी सारे प्रोविजन जो होते हैं वो गवर्नमेंट के बजट के थ्रू ही सारा कुछ किया जाता है, ठीक है। सो आउट ऑफ ऑल दीज पॉइंट्स जो आपके फ्रॉम फाइनल पेपर्स पॉइंट ऑफ व्यू जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज टिक मार्क फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड पॉइंट, ये वाले, ये तीनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पेपर में इधर दे कम फॉर 3 मार्क्स और फॉर 4 मार्क्स, तो जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उतने पॉइंट्स आर टू बी मेड, नॉट इन पैराग्राफ फॉर्म, पॉइंट्स की फॉर्म में आपने इसको कन्वर्ट कर लेना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये तीन वेरी इंपॉर्टेंट, तीन में से भी ज़्यादा अगर कुछ कर रहा हो स्पेसिफिकेशन तो फर्स्ट टू, इसमें से हमेशा एक आना ही आना है क्वेश्चन, एवरी ईयर वन क्वेश्चन कम्स, ठीक है। सो प्लीज़ पे मोर अटेंशन टू दीज फर्स्ट 3 पॉइंट्स। नेक्स्ट है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ बजट। कंपोनेंट्स मतलब पार्ट्स, ठीक है, तो जैसे हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ बॉडी, तो ऐसे ही पार्ट्स ऑफ बजट। तो कौन कौन से पार्ट्स हैं? देर आर 2 पार्ट्स, 1 पार्ट ऑफ द बजट इज कॉल्ड रेवेन्यू बजट, 2nd पार्ट इज कॉल्ड कैपिटल बजट, ठीक है। जैसे हम कहते हैं हमारा लेफ्ट हैंड हमारा राइट हैंड, तो ऐसे ही एक पार्ट होता है रेवेन्यू बजट, एक होता है कैपिटल बजट। तो नाउ क्वेश्चन कम्स टू आवर माइंड कि फिर ये क्या होता है जी, रेवेन्यू बजट क्या होता है? तो पहले इसको डिफाइन करते हैं। रेवेन्यू बजट मीन्स दैट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट बजट विच डील्स विद रेवेन्यू आस्पेक्ट,
ठीक है। अब वो रेवेन्यू एस्पेक्ट क्या होता है, रेवेन्यू एस्पेक्ट में फिर दो चीज़ें आ जाती हैं, ये तो आपने सिंपल सा याद रखना है। बजट मतलब दो चीज़ें, एक तो पैसा कहाँ से आएगा, दूसरा पैसा खर्च कहाँ पे होगा, बस ये दो बातें याद रखनी है। तो फिर क्या हो जाएगा इसका मीनिंग, रेवेन्यू बजट मीन्स दैट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट बजट विच डील्स विद रेवेन्यू रिसीट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। चाहे आप कह दो रेवेन्यू एस्पेक्ट, अगर और क्लैरिफिकेशन करना है तो इन प्लेस ऑफ द वर्ड एस्पेक्ट वी कैन मेक यूज ऑफ दीज टू टर्म्स। रेवेन्यू बजट डील्स विद किसके साथ डील करता है, फर्स्टली रेवेन्यू रिसीट्स एंड सेकेंडली विद रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दो चीज़ों के साथ हैंडल करता है। सिमिलरली फिर ये कैपिटल बजट क्या है, ऑन द सेम लाइन हम इसी को भी ऐसे ही डिफाइन कर सकते हैं। कैपिटल बजट मीन्स दैट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट बजट, पार्ट कहना है मतलब ये कोई इंडिपेंडेंट नहीं है, ये बजट का ही पार्ट है। तो इट इज़ दैट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट बजट विच डील्स विद कैपिटल एस्पेक्ट, कौन सा कैपिटल एस्पेक्ट, दैट इज कैपिटल रिसीट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। ये दोनों जो हिस्से हैं दोनों के आगे दो दो पार्ट कर दिया ऐसे लाइन लगा के, रेवेन्यू रिसीट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इधर कैपिटल रिसीट कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब नाउ यू सी इन द बुक वन हेडिंग इज गिवन बजट रिसीट्स, ठीक है। तो अब बजट रिसीट्स क्या होता है, अगर हम ये दोनों टाइप की रिसीट्स को इकट्ठा कंसिडर कर लें, ये रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स, मीन्स इफ वी पे अटेंशन ओनली टू द रिसीट्स पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट बजट, ठीक है। ये कौन कौन सी रिसीट्स, रेवेन्यू एंड कैपिटल, तो दोनों ये रिसीट्स को इकट्ठा करके हम कह सकते हैं बजट रिसीट्स, इकट्ठा ही नाम दे सकते हैं बजट रिसीट्स। ऑन दी अदर साइड इफ वी वॉन्ट टू पे अटेंशन ओनली टू द एक्सपेंडिचर साइड, चाहे वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और इट इज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब वी वॉन्ट टू टॉक ओनली अबाउट दिस पार्ट एक्सपेंडिचर पार्ट, तो हम उसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये बजट एक्सपेंडिचर है, ठीक है। तो वेन वी मेक यूज ऑफ द टर्म बजट एक्सपेंडिचर दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एज वेल एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब कंपोनेंट तो ये है, इनके दोनों रिसीट साइड को अलग कर दें तो बजट रिसीट्स कह देते हैं, एक्सपेंडिचर साइड को अलग कर दें तो बजट एक्सपेंडिचर कह देते हैं। एज यू कैन सी हियर, ये मैंने ऐसे लिखा है कि दिस बोथ टाइप ऑफ रिसीट्स आर कॉल्ड रेवेन्यू बजट रिसीट्स, बोथ टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर्स आर ऑल्सो कॉल्ड बजट एक्सपेंडिचर, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। करना हमने सारा ही है, चारों को करना है, रेवेन्यू रिसीट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फिर कैपिटल रिसीट कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, पहला क्या है, सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू रिसीट्स, जो आपके बुक में पेज नंबर 10.4 के ऊपर दिया हुआ है, हेडिंग है रेवेन्यू रिसीट्स। तो फर्स्टली वी स्टडी अबाउट दिस, तो अब ये क्या होती है, यू कैन प्लीज अंडरलाइन, दीज आर दोज रिसीट्स विच नीदर क्रिएट एनी लाइबिलिटी नॉर कॉज एनी रिडक्शन इन द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। ये डेफिनेशन आप सबने याद करनी है, आई एम रिपीटिंग, रेवेन्यू रिसीट्स आर दोज रिसीट्स विच क्या है आगे, नीदर क्रिएट एनी लाइबिलिटी। कोई अब आपने अकाउंट्स पढ़ते हो आपको आई थिंक दीज टू टर्म्स आर क्वाइट क्लियर, लाइबिलिटी और एसेट का मतलब पता है सबको, है ना। लाइबिलिटी क्या होता है, किसी की जो देनदारी होती है, हमारे ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हमने किसी का कुछ देना है, जैसे मैंने मिताली जैन से 10,000 रुपीज़ का लोन लिया, तो ये वो 10,000 रुपीज़ मेरी लाइबिलिटी है, मेरी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आफ्टर द गिवन स्टिपुलेटेड टाइम, मान लो 2 महीने के लिए लोन लिया तो 2 महीने बाद वापस करना मेरी लाइबिलिटी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक। अच्छा, ऑन दी अदर साइड मान लीजिए हिम्मत सिंह की फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री में सारे एसेट्स जो भी हैं वो टोटल उसकी वैल्यू है 5 लाख रुपए, तो वो 5 लाख रुपए के बराबर के जो भी वैल्यू है, वर्थ है इसका, वो क्या कहलाएगी, इसके एसेट्स हैं, इसकी प्रॉपर्टी है, एसेट है, इसकी वेल्थ है, ठीक है। तो यहाँ ऐसे ही है यहाँ पे कि जो रेवेन्यू रिसीट्स होती हैं वो ऐसी रिसीट्स जिसके करके ना तो कोई लाइबिलिटी बनती है, नीदर क्रिएट एनी लाइबिलिटी सरकार की गवर्नमेंट की, नॉर लीड्स टू या कॉजेज एनी रिडक्शन इन एसेट, कि ना तो गवर्नमेंट का कोई एसेट कम होता है, कि गवर्नमेंट की ना तो कोई प्रॉपर्टी कम होती है, ना ही कोई जिम्मेदारी बनती है, ठीक है। दोनों चीज़ें होनी चाहिए, तो अब वो कैसे हो सकता है, वी अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ नेक्स्ट पार्ट, ये आगे जो बुक में दिया हो ना उसी को एक्सप्लेन किया है, आपने इतना लंबा पढ़ लेना है सारा, बट यू जस्ट हैव टू सी द डायग्राम एंड द फर्स्ट लाइन ऑफ डेफिनेशन। अब ये जो रेवेन्यू रिसीट्स होती हैं दे आर वेरी रेगुलर एंड रिकरिंग इन नेचर, रेगुलर एंड रिकरिंग का मतलब बार बार होती हैं, ऐसा नहीं कि भाई एक बार ले ली, एक बार ख़त्म हो गया तो काम फिनिश हो गया, फिर दोबारा इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नो, इट इज़ वेरी मच रेगुलर। जैसे हम कहते हैं कि आप रोज़ स्कूल आते हो, मान लो स्कूल खुले हैं तो आप रोज़ आते हो, यूनिफॉर्म में आना है,
अब आप रेगुलर मतलब रोज ही आ रहे हो, रोज उसी यूनिफॉर्म में आ रहे हो, रेगुलर रिकरिंग बार बार आ रहे हो, ठीक है। तो ऐसे ही ये रिसीट्स बार बार होती हैं, गवर्नमेंट को मिलती हैं और रेगुलर इन नेचर होती हैं, मतलब लगातार होती हैं, ठीक। और इसके करके कोई जो गवर्नमेंट है वो उसमें कुछ चेंज करना चाहे तो एज पर द सिचुएशन गवर्नमेंट चेंज भी कर सकती है, ठीक। अच्छा, अब ये कौन कौन सी होती है, नेक्स्ट आ जाइए ज़रा। टू सोर्सेज ऑफ, यहाँ लिखा ना टू सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू रिसीट्स, तो मैंने उसी का ये फ्लो चार्ट आई हैव मेड हियर। तो सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू रिसीट्स, टू सोर्सेज आर देयर, वन इज कॉल्ड टैक्स रेवेन्यू रिसोर्स, टैक्स रेवेन्यू सोर्स, अदर वन इज कॉल्ड नॉन टैक्स रेवेन्यू, ठीक है। नीचे लिखा ना टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो टैक्स रेवेन्यू सोर्स या टैक्स रेवेन्यू रिसीट, और दूसरे पार्ट को वी कैन से नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट। रिसीट वर्ड लगाते या नहीं लगाते, आमतौर पर कम ही लगाया जाता है, ये बोलने में कम्फर्टेबल होते हैं तो इतना ही बोल देते हैं, टैक्स रेवेन्यू नॉन टैक्स, मतलब इन दोनों सोर्सेज से गवर्नमेंट को मनी आता है इन द फॉर्म ऑफ रेवेन्यू रिसीट्स। अब वो क्या है, लेट अस अंडरस्टैंड, पहले फर्स्ट पे आते हैं टैक्स रेवेन्यू क्या होती है। तो टैक्स रेवेन्यू का मतलब ऑल द रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब गवर्नमेंट के एक्सचेकर में, गवर्नमेंट की ट्रेजरी में, गवर्नमेंट के खजाने में आने वाला पैसा, उसके लिए रेवेन्यू शब्द यूज़ किया जाता है। जैसे हम या आप आम लोग हैं, हमें जो इनकम मिलती है, सैलरी मिलती है, तो हम उसको कह देते हैं हमारी इनकम, हमारी सैलरी, है ना। तो बट जो गवर्नमेंट की इनकम होती है उसके लिए इनकम वर्ड नहीं यूज़ किया जाता, उसके लिए एक खास वर्ड यूज़ किया जाता है इकोनॉमिक्स की टर्म्स में, दैट इज़ कॉल्ड रेवेन्यू, कि गवर्नमेंट को मिलने वाला खजाना। अब खजाना कोई राजा महाराजा वाला खजाना नहीं, एक्सचेकर जिसको बोलते हैं, गवर्नमेंट के पास जो पैसा आता है, सीधा सीधा ये कह सकते हैं। तो अब टैक्स वर्ड से हमें क्लियर है, पहले तो वी शुड नो कि भी जो भी टैक्सेस से मिलने वाली इनकम है गवर्नमेंट को, रेवेन्यू है, दैट इज़ कॉल्ड टैक्स रेवेन्यू। तो अब क्वेश्चन है कि टैक्स क्या होता है, फिर आगे डेफिनेशन ऑफ टैक्स इज गिवन, वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट। टैक्स इज ए कंपल्सरी पेमेंट, यू कैन अंडरलाइन, मेड बाई पीपल एंड कंपनीज टू द गवर्नमेंट विदाउट रेफरेंस टू एनी डायरेक्ट बेनिफिट इन रिटर्न। मतलब चाहे कोई कंपनी हो, चाहे आम लोग हों, कोई फर्म हो, या आप या मैं, हम आम लोग हों, वी हैव टू गिव टैक्स, वी हैव टू पे टैक्स। अगर हमारी इनकम उस लेवल तक है जिसके ऊपर टैक्स लगता है, तो हम सब को टैक्स देना पड़ेगा, हमारे लिए कंपल्सरी है। एंड जो भी उससे मनी कलेक्ट होता है विद द गवर्नमेंट, तो उसके लिए गवर्नमेंट की कोई डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि उतने मनी के इक्वल लेवल पे हमें उसका बेनिफिट भी देगी। मतलब अगर मान लो गवर्नमेंट ने 100 रुपीज़ का टैक्स कलेक्ट किया सब लोगों से इकट्ठा करके, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये कोई बंदिश या कंपल्शन नहीं है ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट कि वो 100 रुपीज़ के बराबर हमें इंडिविजुअली कोई बेनिफिट भी प्रोवाइड करे, ज़रूरी नहीं है। बट इट हैज़ बीन सीन कि नॉर्मली गवर्नमेंट वो पैसे कोई अपने पास बचा के नहीं रखते हैं, वो लोगों की वेलफेयर पे ही खर्च किया जाता है। आप देखते हो जितने कितने सारे काम है गवर्नमेंट स्टार्ट करती है, कोई रोड्स बनाती हैं, कोई डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हैं, कोई पुअर लोगों की हेल्प के लिए है, सारा मतलब हर टाइम कंट्री के अंदर कोई ना कोई हेल्प चलती रहती है बाय द गवर्नमेंट, कुछ ना कुछ काम होता रहता है। तो वो पैसा कहाँ से आता है, वो टैक्स के ही पैसे होते हैं, ठीक है। बट हम ये कंपेल नहीं कर सकते इंडिविजुअल लेवल के ऊपर या लीगल तरीके से कि जी मैंने 50 रुपये टैक्स दिया तो मुझे ही पर्सनली 50 रुपीज़ के बराबर का बेनिफिट दे गवर्नमेंट, ऐसा हम नहीं कह सकते। तो इस करके फिर ये क्या हो गई, जो टैक्सेस होते हैं दे आर ए काइंड ऑफ ट्रांसफ़र पेमेंट। होप यू रिमेंबर, एक हमने पीछे कॉन्सेप्ट किया था ट्रांसफ़र इनकम्स या ट्रांसफ़र पेमेंट्स, तो वो क्या होती है, वन साइडेड पेमेंट्स, ठीक है। तो उस समय हमने जो एग्जाम्पल किए थे वो सारे एग्जाम्पल ये किए थे कि जो हमें गवर्नमेंट से मिलते हैं, गवर्नमेंट हमें कोई डोनेशन दे देती है, कोई सीनियर सिटीजन्स को हेल्प करती है, कोई अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देती है या ओल्ड एज पेंशन देती है, नॉर्मली गवर्नमेंट ही लोगों को देती है। बट यहाँ पर इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है कि जो टैक्स है ये भी एक ट्रांसफ़र पेमेंट है। अब ये कहाँ से जा रही है, लोगों की साइड से, इट इज़ गोइंग टू गवर्नमेंट। तो बदले में हमें कुछ नहीं मिलता है, हम कुछ मिलने की उम्मीद ज़बरदस्ती से नहीं कर सकते हैं, गवर्नमेंट करती है वो एक अलग इशू है। बट हम कंपल्सरीली लीगली वी कैन नॉट क्लेम कि दिस मच बेनिफिट शुड कम टू मी, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। तो दैट इज़ व्हाई इट इज़ ए ट्रांसफ़र पेमेंट फ्रॉम द सिटीजन्स टू द गवर्नमेंट, ठीक है। अच्छा, अब जो टैक्सेस हैं फिर वो आगे दो तरह के होते हैं, ये आपने 11th में भी पढ़ा हुआ है, वन इज़ डायरेक्ट एंड वन इज़ इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। अब ये आपने यहाँ पर क्वेश्चन आपको आ सकता है डिस्टिंग्विश बिटवीन दीज टू। तो डायरेक्ट टैक्स कौन से होते हैं, प्लीज़ अंडरलाइन, विच आर इम्पोज्ड ऑन द प्रॉपर्टी एंड इनकम ऑफ इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज। जो हमारी प्रॉपर्टी पे लगता है टैक्स या हमारी इनकम के ऊपर लगता है, तो जैसे आपको याद होगा एक हमने किया था कॉरपोरेशन टैक्स, तो वो कॉरपोरेशन का टैक्स क्या होता है, जो कंपनीज का प्रॉफिट है उसके ऊपर लगने वाला टैक्स,
हम लोगों के आम लोगों पे क्या लगता है, इनकम टैक्स अगर हमारा एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ लेवल से ज़्यादा इनकम हो जाए तो टैक्स लग जाता है, ठीक है। तो ऐसे जो टैक्स होते हैं आमतौर पर लोगों की इनकम या फर्म्स की इनकम या प्रॉपर्टी के ऊपर लगते हैं, लोगों की और फर्म्स की या कंपनियों की, ठीक। अच्छा, अब इसको डायरेक्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो इम्पैक्ट और इम्पोजिशन है, इम्पैक्ट इम्पोजिशन तो एक ही होता है, इम्पोजिशन एंड इंसिडेंस बोथ लाई ऑन द सेम पर्सन। इम्पोजिशन वर्ड इम्पोज से बना है कि जिसके ऊपर लगाया गया है, इंसिडेंस वर्ड का मतलब बर्डन कि उसको पे करने की, उसकी पेमेंट टैक्स को देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, दोनों एक ही आदमी के ऊपर है। अगर मेरे ऊपर इनकम टैक्स लगा है, मेरे नाम पे आया है इनकम टैक्स, तो मुझे ही देना पड़ेगा, मेरे नाम के ऊपर कोई और बच्चा, कोई और फैमिली मेम्बर वो नहीं पे कर सकते। सिमिलरली कोई फर्म है तो जिस फर्म को ये प्रॉफिट के ऊपर टैक्स लगा, तो वही सेम फर्म इज रिस्पॉन्सिबल टू मेक पेमेंट ऑफ टैक्स, उस फर्म के बिहाफ के ऊपर कोई और फर्म नहीं दे सकती है। तो फिर सीधी सी बात क्या होगी कि जिसके ऊपर लगा है उसी को देना पड़ता है, ठीक। अच्छा, ऑन दी अदर साइड तो फिर इससे फिर क्या होता है, लोगों की डायरेक्टली इनकम अफेक्ट होती है। जैसे मान लो आप यू आर वर्किंग समवेयर, आपकी इनकम अच्छी है, मान लो आपके ऊपर लमसम, जस्ट फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ, मान लो आपके ऊपर आपकी इनकम है 10,000 रुपीज, उसमें से मान लीजिए 1,000 रुपीज आपने टैक्स की फॉर्म में पे कर दिए, ठीक। अच्छा, अब ये कैसे टैक्स आपकी इनकम को अफेक्ट कर रहा है। नाउ इफ यू हैव पेड 1,000 रुपीज आउट ऑफ 10,000 ऑफ योर सैलरी, तो अब आपके पास कितने पैसे बचे टू स्पेंड या फॉर टू यूज फॉर अदर योर पर्सनल नीड्स, 9,000 रुपीज। इसका मतलब वो जो 1,000 रुपीज हैं विच कुड हैव बीन देयर विद यू, आप उसको खर्च कर सकते थे, बट नाउ ड्यू टू द इम्पोजिशन ऑफ द टैक्स दोज 1,000 रुपीज हैव गॉन टू द गवर्नमेंट एंड नाउ योर डिस्पोजेबल इनकम हैज गॉट रिड्यूस्ड। मतलब डिस्पोजेबल जो आप खर्चा कर सकते हैं, अब वो 10,000 की बजाय हो गए 9,000 रुपये। तो आपकी इनकम को सरकार ने क्या कर दिया, गवर्नमेंट ने उसको रिड्यूस किया है, इनकम को चेक किया है, उसको क्या बोलेंगे, श्रिंक कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, ताकि आप ज़्यादा पैसे ना खर्च कर पाओ, ठीक है। तो ये तो नहीं होता कि किसी की पॉकेट से फिजिकली पैसे निकालो, ऐसे तो नहीं होता। तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट विद द हेल्प ऑफ टैक्स, अगर गवर्नमेंट को लगे कि लोगों की डिमांड को कम करना है, तो गवर्नमेंट कैन इम्पोज मोर टैक्सेस, वो हम आगे भी करेंगे, ठीक है। तो ये सारे फिर आगे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, प्लीज़ यू कैन अंडरलाइन। इनकम टैक्स है, कॉरपोरेट या कॉरपोरेशन टैक्स है, इंटरेस्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स, डेथ ड्यूटी, ये सारे 3-4 एग्जाम्पल्स हैं, ये आपने लर्न कर लेने, ठीक है। आफ्टर दैट इनडायरेक्ट टैक्स, वो क्या होते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, की वो आमतौर पर कहाँ लगाए जाते हैं, विच अफेक्ट द इनकम एंड प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज थ्रू देयर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब ये थोड़ी सी इतनी बढ़िया डेफिनेशन नहीं है, इसकी जगह आप ऐसे लिख सकते हो, प्लीज नोट डाउन, इनडायरेक्ट टैक्सेस आर दोज टैक्सेस हूज बर्डन कैन बी शिफ्टेड टू अदर पर्संस। इनडायरेक्ट टैक्सेस आर दोज टैक्सेस हूज बर्डन कैन बी शिफ्टेड टू अदर पीपल एंड नॉर्मली दे आर इम्पोज ऑन गुड्स एंड सर्विसेस। And normally they are imposed on goods and services, जो चीज़ों के ऊपर लगाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसका क्या मतलब होता है, इनडायरेक्ट क्यों कहा जाता है, इनडायरेक्ट इस करके कहते हैं बिकॉज ये लगाया किसी और के ऊपर जाता है, बट इसका जो अल्टीमेट बर्डन है दैट इज़ फेल्ट बाय समवन एल्स। जैसे किसी चीज़ के ऊपर, किसी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर टैक्स लगा दिया, एक्साइज ड्यूटी लगा दी जो मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर लगती है, तो अब वो प्रोड्यूसर ने पहले तो अपने पास से दे दिया, पेमेंट दे दी, बट अल्टीमेटली वो प्रोडक्ट बन के तैयार होके रेडी होके प्रोडक्शन बाउंड्री से व्हेन इट कम्स आउट, तो फिर तब जाके मार्केट में आता है, शॉप्स में आता है, फिर हम लोग जाके कंज्यूमर उसको बाय कर लेते हैं। तो फिर अल्टीमेटली व्हेन वी आर बाइंग दैट प्रोडक्ट, तो आपने नोटिस किया होगा कोई चीज़ों की पैक होता है या पैकेजिंग होती है, उसके ऊपर लिखा होता है ना MRP, उसके नीचे लिखा होता है छोटा सा प्रिंटेड सा होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। तो इसका मतलब हम जो पेमेंट कर रहे हैं उसमें वो चीज़ के एंड मोमेंट तक आने तक जितने भी टैक्स लगे थे, हम अपने उस प्राइस में वो सारे टैक्सेस को पे कर रहे हैं। तो मतलब क्या हो गया कि शुरू में किसी और ने दे दिया था, लगाया किसी और के ऊपर था, बट उस पर्सन ने, उस प्रोड्यूसर ने जितनी भी वो चेन चली, मतलब जितने भी लोग आगे आगे जब तक एंड तक नहीं आता कंज्यूमर तक, जितने भी पीपल इन्वॉल्व हुए सब एक देते गए टैक्स देते गए, अल्टीमेटली जो उस चीज़ को बाय करेगा दैट पर्सन हैज़ टू बियर द अल्टीमेट बर्डन।
तो इसी करके इसको कह देते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो नॉर्मली ये चीज़ों पे लगाए जाते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज पे, जैसे आगे यू कैन अंडरलाइन, जैसे सेल्स टैक्स है या सर्विस टैक्स है, वैल्यू एडिड टैक्स है, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, ये सारे, एंटरटेनमेंट, ये ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, उसके बाद पता कैसे चले कि कोई टैक्स डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है, तो वो देखिए नीचे एक दिया हुआ है। अगर बर्डन को शिफ्ट कर सकते हैं तो होगा वो टैक्स इनडायरेक्ट, और अगर बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड तो वो टैक्स होगा डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, आगे देखिए, आगे मैंने ऑलरेडी बता दिया है सारा डिफरेंस दिया हुआ है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स का। ठीक है, तो नॉर्मली जो टैक्स होते हैं ये डायरेक्ट टैक्स, इनका बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड, वही डेफिनेशन देके फिर एक दिया हुआ है, दीज आर जनरली प्रोग्रेसिव इन नेचर, लिमिटेड रीच होती है, क्योंकि लिमिटेड रीच इन द सेंस कि सब लोगों की इनकम, अगर हम लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ अवर ओन कंट्री, तो ऑल पीपल आर नॉट हैविंग दैट मच इनकम की जो टैक्सेबल हो सके। मान लो जिसकी इनकम मान लीजिए 3 lakhs ऑफ रुपीज़ है, तो उसके बाद 3 lakh और या उससे ज़्यादा है तो उसके ऊपर टैक्स लगता है, बट ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी इनकम 3 lakh से कम है, तो फिर उनके ऊपर टैक्स नहीं लग पाता है, तो क्योंकि पुअर कंट्री है, पुअर लोग ज़्यादा है, कम इनकम वाले ज़्यादा है, तो इस करके लिमिटेड इसका जो बेनिफिट है या गवर्नमेंट को इनकम मिलनी चाहिए वो थोड़ी कम हो जाती है। ठीक है, अच्छा, दूसरा एक और इधर दिया हुआ है वर्ड बीच में, एक पीछे आया है जो टैक्सेस हैं, प्लीज़ सी, एक आई स्किप्ड वन लाइन, जो पीछे पेज है 10.5, इनडायरेक्ट टैक्स के ऊपर वन लाइन इज गिवन, डायरेक्ट टैक्स सिस्टम कैन बी प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव और प्रोपोर्शनल। ठीक है, यू कैन अंडरलाइन दिस। अच्छा, इनकी जो मीनिंग है दैट इज गिवन इन द एंड ऑफ द चैप्टर, वो वहाँ से आपने पढ़ना है, मैं आपको मीनिंग बता देती हूँ, याद नहीं करना है, दिस इज ओनली फॉर अवर रेफरेंस एंड फॉर अवर नॉलेज। तो क्या होता है प्रोग्रेसिव टैक्स, क्या होता है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है तो रेट ऑफ टैक्स भी बढ़ता है। अगर मान लो पहले इनकम है 10,000 rupees, तो मान लीजिए टैक्स का रेट है 5%, वैसे कह रही हूँ एग्जाम्पल 5%। अब जिनकी इनकम है मान लो 30,000, उसके ऊपर टैक्स का रेट है, उसकी इनकम किसी की भी अगर बढ़ जाए तो अब मान लो टैक्स का रेट बढ़ जाता है 5% की बजाय 10%, मतलब जैसे जैसे इनकम बढ़ती है तो टैक्स का रेट भी बढ़ता है। ठीक, तो उस टाइप के टैक्स को क्या बोलेंगे, प्रोग्रेसिव, जो बढ़ता है, राइज करता है। ऑन दी अदर साइड रिग्रेसिव होता है, रिग्रेस होता है पीछे की ओर जाना, कि एज इनकम इंक्रीजेज बट रेट ऑफ टैक्स डिक्रीजेज, इनकम बढ़ती है बट टैक्स का जो परसेंट है या परसेंटेज रेट है वो कम हो जाता है। अगर ऐसा सिस्टम हो कंट्री के अंदर तो होता है रिग्रेसिव सिस्टम, इनकम बढ़ती है बट टैक्स का रेट कम हो जाए तो रिग्रेसिव, अगर इनकम बढ़ती है साथ ही साथ टैक्स भी बढ़ता है तो होता है प्रोग्रेसिव। तो हमारे कंट्री में, इन आर कंट्री, जो सिस्टम है वो प्रोग्रेसिव टैक्स वाला है, कि जैसे जैसे इनकम बढ़े लोगों पर टैक्स भी बढ़ता है। और थर्ड वन होता है प्रोपोर्शनल, कि इनकम चाहे बढ़े चाहे कम हो, जो भी एक बार टैक्स रेट हैज़ बीन डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट वो सेम ही रहता है। किसी की इनकम ज़्यादा हो कम हो, अगर गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया कि मान लो 10% टैक्स लगाना है तो 10% ही रहेगा, चाहे मेरी इनकम बढ़ के 5 lakh हो जाए, चाहे मेरी इनकम कम हो के 2 lakh हो जाए, चाहे मेरी 10 lakh हो जाए, जो मर्जी हो, मतलब वो एक फिक्स हो जाता है। ठीक, तो ये आपको एज सच नहीं आएगा, बट जस्ट देयर इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड, तो फॉर दैट यू कैन सी द लास्ट पेज ऑफ द चैप्टर। नेक्स्ट है हमारा नॉन टैक्स रेवेन्यू, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो नाम से क्लियर है, नॉन टैक्स रेवेन्यू मतलब दैट रेवेन्यू विच कम्स टू गवर्नमेंट फ्रॉम सोर्सेज विच आर नॉट टैक्स सोर्सेज, मीन्स अदर देन टैक्सेस, और कहाँ कहाँ से गवर्नमेंट को रेवेन्यू हो सकती है, तो ऐसे सारे सोर्सेज कहलाते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू के सोर्सेज। अब उसमें क्या आ जाता है, फर्स्ट है, आगे 6-7 एग्जाम्पल्स हैं, ये आपको 1 mark के टाइप के क्वेश्चन में आ सकता है, या ऐसे आ सकता है गिव एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू, तो देन ओनली नेम्स आर टू बी गिवन, बट यू शुड बी वेरी मच क्लियर अबाउट देयर मीनिंग्स ऑल्सो। लेट अस स्टार्ट, फर्स्ट क्या है, फीस। तो फीस में क्या आ जाता है, फीस होता है, प्लीज अंडरलाइन, चार्जेस इम्पोज बाय गवर्नमेंट टू कवर द कॉस्ट ऑफ रिकरिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय इट। ठीक है, मतलब ये कि जो भी सर्विसेज गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करती है, इफ वी वॉन्ट टू अवेल दोज सर्विसेज देन वी हैव टू मेक पेमेंट ऑफ फीस। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप स्कूल में पढ़ना चाहते हो तो आपको फीस देनी पड़ती है। ठीक है, अच्छा, ये कब देनी पड़ती है, इफ़ यू वॉन्ट टू अवेल द सर्विस ऑफ द स्कूल,
आप चाहते हो तो ही देनी पड़ेगी, अगर आप चाहते ही नहीं, मान लो यू डोंट गेट एडमिशन इन द स्कूल या कॉलेज, कोई भी इंस्टीट्यूशन है, आप जाते ही नहीं, आप चाहते ही नहीं, आप दाखिल ही नहीं होते, तो फिर देयर इज नो कंपल्शन, फिर थोड़ी फीस दोगे आप। तो ऐसे ही जो गवर्नमेंट की ऐसी सर्विसेज हैं जिनको हम अगर अवेल करते हैं तो फीस देनी पड़ेगी। जैसे हम मान लो बनाते हैं अपना क्या बोलते हैं उसको, पासपोर्ट बनवाते हैं तो फीस देनी पड़ेगी। अब कोई ज़बरदस्ती तो नहीं कि पासपोर्ट बनवाओ, अगर बनवाएंगे तो देनी पड़ेगी। या हम रजिस्ट्रेशन फ़ी, कोई लैंड की, प्रॉपर्टी की, घरों की कोई रजिस्ट्री करवाते हैं तो अगर करवाएंगे, सेल परचेज करेंगे तो ही रजिस्ट्री है, अदरवाइज तो किसी के ऊपर बंदिश नहीं है। तो ऐसे ही कोई भी सर्विस अगर हम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से लेते हैं तो उसके लिए हमें फ़ीस देनी पड़ती है, बट ये तभी देनी पड़ेगी अगर हम अवेल करते हैं। ठीक है, ऑन दी अदर साइड सेकेंड वन है लाइसेंस फ़ी। तो ये नाम से क्लियर है, लाइसेंस फ़ी का मतलब अगर हम, लाइसेंस मीन्स टू गेट परमिशन फ्रॉम द हायर अथॉरिटी, जैसे हम ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं है ना व्हीकल चलाने के लिए, तो फिर दैट मीन्स वी वांट परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी हाँ हम रोड के ऊपर ड्राइव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो फिर लाइसेंस बनवाएंगे तो फीस देनी पड़ेगी, तो ऐसी फ़ीस कहलाती है लाइसेंस फ़ी। ठीक है, कोई या हम कोई वेपन रखना चाहते हैं अपने पास में तो वो अदरवाइज परमिटेड नहीं है, तो अगर हम रखना ही चाहते हैं तो उसके लिए पहले लाइसेंस लेना पड़ेगा, मतलब परमिशन लेनी पड़ेगी, तो फीस देनी पड़ेगी। तो जब भी हम किसी काम को करने के लिए कोई लाइसेंस लेते हैं तो उसकी जो फीस होती है। नेक्स्ट इज फाइंस एंड पेनल्टीज, ये हम लोग कल करेंगे बिकॉज अभी टाइम इज लेस। आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर वन अटेंडेंस फॉर्म, मैं आपके बेटे क्लास ग्रुप में ही सेंड कर रही हूँ, आप उसको जल्दी से फिल कर दीजिए, फिल करके सेंड कर दीजिए, उसके बाद आई विल क्लोज दिस लिंक। ठीक है जी, सो विद दिस वी फिनिश दिस टुडेज वर्क।